हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष मेहता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद आयुष मेहता। सो आज हम बात करने वाले हैं, सिंगापुर के लिए वैकेंसीज निकली थी कुछ दिन पहले, एक एजेंसी सी थी उन्होंने निकाला हुआ है, तो अच्छी रिक्वायरमेंट है, मतलब आप देख सकते हो, अगर आप ट्राई करना चाहते हो बात कर सकते हो उनसे। और अभी भी वैकेंसीज बची हुई हैं एंड उनका रेट भी कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव बहुत नहीं होता, जेन्युइन है। बाकी सर्विस चार्ज की डिटेल आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और सिंगापुर के लिए वो वर्क परमिट कर रहे हैं, एस पास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली वर्क परमिट कर रहे हैं। और क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्या क्राइटेरिया रखा है, मैं सब बताऊँगा। ग्रुप में भी मैंने इसकी डिटेल जो शेयर कर दी है, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। पहले हम बात करते हैं अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर अ रेप्यूटेड कंपनी इन सिंगापुर। पहली चीज़ तो सिंगापुर के लिए निकाला, बहुत दिन से लोग जो परेशान थे, अब सिंगापुर के लिए अब इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ADS इंटरप्राइजेस से निकाला हुआ है, अच्छी जेन्युइन कंसल्टेंसी है इंडिया के अंदर, दिल्ली में इनका ऑफिस है और ऐसा इनका इंटरफेस आप देख सकते हैं। ADS इंटरप्राइजेस ने सिंगापुर के लिए निकाला है। जनरल वर्कर्स चाहिए 40 में से आई थिंक 10 या 15 की अभी ज़रूरत और होगी, बाकी फुलफिल हो गई है। और मैं बात करूँ क्राइटेरिया और बाकी सैलरी जो ये दे रहे हैं, अप टू लाइक 19 से 20 सिंगापुर डॉलर पर डे दे रहे हैं। और आपको 8 घंटे पर डे काम करना है, मंडे से सैटरडे, संडे ऑफ है, 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, प्लस रिन्यूएबल है, लिखा है रिन्यू भी होगा। और ओवर टाइम 2 घंटे का आपको मिलेगा, यानी कि 10 घंटे अगर आप काम करते हो तो आपकी सैलरी अच्छी खासी बनेगी पर डे। और फूड अलाउंस आपको मिल रहा है सिंगापुर डॉलर 19 और प्रोवाइडेड बाई एम्प्लॉयर, ठीक है, प्लस सिंगापुर डॉलर 90 सेल्फ का मिल रहा है आपको सारा चीज़ें। फ्री अकोमोडेशन है, मेडिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब खाना रहना मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन सब मिलेगा। 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। सैलरी थोड़ी कम है, ये बात आप समझ सकते हो, क्योंकि आप वर्क परमिट पर जा रहे हो और खर्चा भी ज़्यादा वो आपसे नहीं ले रहे हैं। सैलरी सिंगापुर में कम ही मिलती है, ये बात सबको पता है कि स्टार्टिंग में वर्क परमिट पर जो जाता है उसकी सैलरी 35-40,000 के अंदर ही रहती है, इससे ऊपर जल्दी जाती नहीं है। अब आगे चल के 2-4 साल रहते रहते एस पास अगर आपको मिल जाता है तो फिर आप आराम से 1,000-1,500 सिंगापुर डॉलर आराम से अर्निंग कर सकते हो, जो कि आपका 60,000 से लेकर 80,000-90,000 तक जाता है। बट अभी हम बात करते हैं वर्क परमिट के बारे में। तो फैसिलिटीज़ मैंने बता दी, अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी आपको दे रही है। क्वालिफिकेशन क्या है, पहले चीज़ ये पढ़ लो, मस्ट हैव सिंगापुर सेकेंडरी के सर्टिफिकेट फ्रॉम सिंगापुर ऑथराइज्ड ट्रेड टेस्ट सेंटर। आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज़ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कुछ भी अगर क्वेरीज रहती हैं तो आप डेफिनेटली इनसे बात कर लें। और यूटर्न कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई, जो यूटर्न वाले हैं वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो सिंगापुर से लाइक रिटर्न है, जो वहाँ से काम करके यार आए हैं, ऑलमोस्ट मान के चलो कि आप कोविड के टाइम पे वापस आए हैं लॉकडाउन के टाइम पे, तो वो भी इनसे कॉन्टैक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। और इनका इंटरेस्टेड लिखा हुआ, इंटरेस्टेड कैंडिडेट सबमिट क्लियर स्कैन्स क्रेडेंशियल इमीडिएटली टू यू jobs.ADSE@gmail.com। इस पर अपने आप डॉक्यूमेंट सारे क्लियर जो हैं, PDF स्कैन कॉपी आप इनको शेयर कर सकते हो विदाउट एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं, आप भेज दो। और सैलरी जो उन्होंने लिखी है यूटर्न वालों की, वो 24 तक जा रही है, मतलब जो नॉर्मल रहेगा वो 20 सिंगापुर डॉलर पर डे है और जो रिटर्न है उनको 24 तक मिलेगी, उससे ऊपर भी हो सकती है, बट एक ये मिनिमम इन्होंने रखा है, मतलब लिखा है कि इतनी तो रहेगी। और मंथली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक नॉर्मल एक जनरल वर्कर 600-700 सिंगापुर डॉलर तक कमा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, और बाकी ऊपर ही आपका जाएगा। तो इंडियन रुपीस में 35-40 तक आपकी सैलरी आराम से बनेगी। सैलरी कम है ये मत देखो, पर आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिंगापुर से एस पास ले सकते हो और आगे ई पास के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो इन फ्यूचर, ठीक है। बट एस पास मिल जाता है, ई पास तो नहीं कह सकता मैं, बट एस पास मिल जाता है और सेटल हो सकते हो सिंगापुर में, अच्छा ऑप्शन है आगे मूव होने के लिए भी। और अच्छी कंट्री है, आपको गल्फ से थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, डिफरेंट थोड़ा सा, और खाना रहना मिल रहा है, तो एडजस्ट करने में कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, छोटी सी वीडियो आज बनाई थी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और सिंगापुर के लिए अभी जो एजेंसी है सिर्फ ADS कर रही है, पहले एशिया पावर भी डाल रही थी सिंगापुर के लिए, बट अभी उनके पास उतनी वैकेंसीज कोई खास आ नहीं रही है एशिया पावर के पास, पहले आ रही थी सिंगापुर के लिए। तो आप ADS इंटरप्राइजेस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दिल्ली में इनका ऑफिस है। बाकी आज की वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपको शायद ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर ज़रा सी भी यार तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो यार, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, जो जो अच्छी एजेंसीज इंडिया में वर्क कर रही हैं उनके मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आप इनके थ्रू जा सकते हो, फ्रॉड एजेंट से बचो जो स्कैम करते हैं, इधर उधर लाखों रुपये लेते हैं और नॉलेज भी सही से देते नहीं है, तो आप इनसे बात कर लें। बाकी इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ,
कंपनी का लाइसेंस नंबर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में इनका ऑफिस है नरेना विहार के पास, 7428500944 इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी ग्रुप में मिल जाएगा ADS Enterprises के, आप वेबसाइट पे जाओ, फेसबुक पेज देख सकते हो, गूगल पे भी इनकी वेबसाइट पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, सिंगापुर के लिए जनरल वर्कर्स चाहिए और फ्रेशर्स एप्लीकेशन तो नहीं कर सकते बट ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो आप बाकी जानकारी के लिए इनसे कॉन्टैक्ट कर लें, जैसा ये कहेंगे आप वैसा फॉलो कर सकते हैं। वैकेंसीज बहुत कम है तो आप फास्ट कॉन्टैक्ट करें जल्दी, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट फुल ही हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो सिंगापुर की, आई होप भी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली सारी न्यू वीडियोज आपको टाइम पे मिलती रहेंगी। सो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।